यूपी में धर्मांतरण संबंधित कानून लागू होने के बावजूद आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। कानपुर में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक नाबालिग हिंदू लड़के को पैसे का लालच देकर उसे ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। कानपुर के बेनाझार स्थित इमानुअल पेंटिकॉस्टल चर्च में धर्मांतरण कराने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बल ने छापा मारा। बजरंग दल का आरोप था कि यहां पर पैसे का लालच देकर ही हिंदू धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। एक नाबालिग लड़के ने आरोप लगाया कि उसको 50,000 रुपए का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आए दिन कानपुर में धर्म परिवर्तन के मामले निकलते चले जा रहे हैं। छठवां या सातवां मामला है जिसमें हिंदू परिवार पे दबाव बनाकर और हिंदू परिवार को बहलाकर फुसलाकर और उनको प्रलोभन देकर उनसे बोला जा रहा है कि धर्मांतरण कर लो, और कहीं ना कहीं ये सब जो स्टालिन है उसके बयान से प्रभावित है। स्टालिन ने जो बयान दिया था कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, तुम्हें चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमने कानपुर में समेटना चालू कर दिया, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो आकर यहाँ पर रोक लो। अभी जब इस मामले में हम लोगों ने यहाँ पर आकर जाँच की और पता किया और इस पर प्रशासन गया है मौके पर, प्रशासन ने जब पकड़ा है तो रोशन जैकब से इन लोगों ने हमसे कई बार बात कराने का प्रयास किया जो यहाँ पर पूर्व में डीएम रही हैं, और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा पता किया कि रोशन जैकब की ही मदद से वो चर्च इतना बड़ा और फल बड़ा हुआ है, बृहद रूप उसने धारण किया है, और उसमें कुछ लोगों का विवादित कुछ लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों को वहाँ से भगाने का काम भी रोशन जैकब ने किया, क्षेत्रीय लोगों ने बताया। और अभी भी ये जो चर्च जो संचालन कर रहे हैं वो कई बार हमसे बोले कि रोशन जैकब मैम लाइन पर आप उनसे बात कर लो, रोशन जैकब की जाँच होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से आग्रह करेंगे कि रोशन जैकब की जाँच हो कि वो क्यों मिशनरी के रूप में क्यों काम कर रही हैं। नाबालिग लड़के ने बताया कि उसको नौकरी का लालच भी दिया जा रहा था। पुलिस के छापे के दौरान चर्च के केयर टेकर से कहा सुनी भी हुई, जिसके बाद चर्च के लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। नाबालिग लड़के ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी, हालांकि चर्च के लोगों ने आरोपों से साफ इनकार किया है। मैं रितेश बजरंगी के घर पे मैं डेली जाता था और मतलब वहाँ बैठा रहता था, डेली आना जाना हम लोगों का था वहाँ पे। तो मैं आज सुबह वहाँ से आ रहा था तो यूपीटर तक लॉन्च के बगल में एक मतलब वो बना है चाय का होटल, तो मैं वहाँ खड़ा था तो एक आनंद नाम के आदमी आए, वो मुझसे कह रहे हैं कि ये सब क्यों करते हो, मतलब तुम आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियन धर्म में। तो मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये दूंगा और आगे चल के तुम्हारी नौकरी लगवाई जाएगी और माता पिता को मतलब सब कुछ करा जाएगा सेवा। तो मैंने बोला ये सब को मतलब इसको मतलब नहीं है ये सब में, तो कह रहे हैं कि कर लो बहुत अच्छी बात है इसमें ये वो, तो कह रहे हैं कि हमने कहा कि नहीं मेरे को नहीं करना है, तो मतलब वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे तो मैंने किया नहीं। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, तो हम निकल गए मतलब घर अपने। तो मैंने सूचना दी रितेश बजरंग को, तो उन्होंने कृष्णा तिवारी जी को सूचना दी। तो आज तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लड़के ने एक तहरीर दिया है कि मुझे जो है एक डैनियल है आनंद डैनियल, जो कि लालच दे के मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, उन्होंने इस संबंध में तहरीर दिया था, जहाँ पर आज बेनाझावर चर्च में इनकी प्रार्थना सभा चल रही थी, दोनों पक्षों को बुलाया गया, तहरीर ली गई है, जाँच किया जा रहा है, जाँच के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जो पीड़ित लड़का बताया जा रहा है क्या वो नाबालिग है? हाँ, उसकी उम्र 15-16 वर्ष की है, बता रहा 15-16 वर्ष की लड़का नाबालिग है, इसमें इस बात की गहराता जांच की जाएगी कि कोई और तत्व तो नहीं इसमें जो भी है। साथ ही पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी शहर में कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन सब मामलों के तार एक संगठन से तो जुड़े हुए नहीं है।